बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोग सारे। थैंक यू सर। आप लोग आज क्या मिस कर रहे हैं? लड़कियां। तो आप सोच रहे होंगे कि लड़कियां कहाँ गुल हो गई? यस सर। लड़कियां मैच देखने गई हैं कोच मैडम के साथ। अच्छा है ना सर, तब तक हम मिलकर लड़कों वाली बातें करते हैं। लड़कों वाली बातें, वो क्या होता है? अरे सर, आप तो अमेरिका में रहते हो ना, आपको भी नहीं पता। अच्छा अच्छा, वो लड़कों वाली बातें। सर, कहीं आप इस मोंटू की तरह डगमग ढोलक तो नहीं? डगमग ढोलक वो क्या है? अरे सर, इसकी सारी मर्दानगी ना लड़कियों के सामने ढोलक की तरह डगमग डगमग होने लगती है। डगमग ढोलक? आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। सर, कभी कभी ना हम मजे के लिए लड़कियों को छेड़ लेते हैं। एक बार हमने इस मोंटू को भेज दिया, इसकी हालत डगमग होने लगी और भूकंप की तरह कांपने लगा। इस डगमग ढोलक की आवाज आप लोगों ने शोर और तानों से दबा दी। उसकी सुनी ही नहीं कि वो कहना क्या चाहता है। मंटू, तुम कुछ बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं चकना, हम सब दोस्त ही तो हैं। इन्होंने हमें अपने साथ बाहर आने को कहा, हम आए। इन्होंने कहा गुटखा खाओ, हमने वो भी खाया। इन्होंने कहा मोटरसाइकिल को हवा में उछालो, हमने वो भी किया। हम जानते थे कि ये गलत है, पर फिर भी हमने किया ताकि ये हमें अपने साथ रखे। ये हमें छेड़ाए नहीं, पर फिर भी इन्होंने हमें लड़कियां छेड़ने को कहा। जब इन लोगों ने तुम्हें लड़कियां छेड़ने के लिए बोला तो तुम क्यों नहीं कर पाए? सर, ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम अपने घर में सबसे छोटे हैं, हमारी बड़ी बहनें हैं। ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है, ये हमसे नहीं हो पाएगा सर। देखिए सर, फिर लड़की की तरह फुफु करने लगा। एक मिनट, बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को, है ना? अगर मोंटू रोता है तो क्या वो लड़की है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर लड़के रोए तो उसमें बुराई क्या है? आखिर कम से कम उनमें अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को लोगों के सामने रखने की हिम्मत तो है। लड़कों को लगता है कि रोना सिर्फ लड़कियों की खासियत है और उनको रुलाना मर्दानगी की निशानी। हम सबने मर्दानगी की परिभाषा ही बदल दी है। लड़कियों को छेड़ना, उन्हें ठेस पहुंचाना, क्या वो मर्द है? प्रीता के ऊपर तेजाब फेंकने वाले मर्द नहीं थे, कायर थे। आज वो अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजार रहे हैं और हर रोज यही सोचते हैं कि उनकी मर्दानगी उन्हें ये कहां लेकर आ गई। तो इस हाथ में कितनी उंगलियां? सर, पांच। क्या पांचों एक जैसी हैं? नहीं सर, सब अलग हैं। अगर इसमें से एक उंगली कम हो जाए तो क्या आप मुट्ठी बंद कर सकते हैं? नहीं सर। अगर आप सब लोग एक हाथ हैं और मोंटू उसकी एक उंगली, तो मोंटू के बिना क्या आप मुट्ठी बना सकते हैं? नहीं सर। इसी तरह मर्द और औरत एक सच्चाई के दो पहलू हैं। कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सबसे पहले हम सब लोग एक इंसान हैं। अगर मोंटू लड़कियों को छेड़ने से ना करता है तो वो मर्दानगी का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप लोग शायद नए हैं तो आप लोगों ने वो गीत तो सुना नहीं होगा। कौन सा सर? हमारी फुटबॉल टीम का गीत, हम जब साथ हों तो अंबर पर राज कर सकते हैं। हम जब साथ हों तो अंबर पर राज कर सकते हैं। हम जब साथ हों तो कल को आज कर सकते हैं। हम ये भी, हम वो भी, हम कुछ भी कर सकते हैं।
कैसा लगा आप लोगों को गीत? सर, क्या हम मोंटू को सॉरी बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं। मोंटू इधर आइए।